यू ऑल वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमारा डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। सो सीन कुछ यूँ होता है कि अमाया और आलिया जो है वो अमाया के रूम में इस बार जो है लव मेकिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि वो कर रहे होते हैं जी टीवी लॉन्च में सारी हदें पार कर रहे होते हैं। और बाहर जो होता है आदि, वो अमाया के घर आने वाला होता है, मतलब दरवाज़ा खोल रहा होता है कि रिमशा उसे रोक लेती है और मतलब बहुत सारे बहाने बनाती है उसे रोकने के लिए कि यार प्लीज़ अंदर मत जाओ। बट वो कहते हैं कि चलो ठीक है यार, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ आलिया के घर खाना खाने, लेकिन अंदर से कुछ सामान लेना है वो तो लेने दो। तो रिमशा फंस जाती है कि यार शिट। तो वो कहती है नहीं, तुम ना लो ना, कुछ नहीं होता, हो चलो। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कह रहा हूँ तुमने रुको मैं करके आता हूँ। तो कहती है अब इसे कैसे रोको कैसे रोको। तो फिर कहते हो शिट, मुझे तो करा रहे हैं, प्लीज़ मुझे पकड़ो, मुझे ना आलिया के घर ले जाओ। तो वो आगे से कहते हैं कि आलिया के घर तो मतलब दो चार कदम तुम्हें चलने पड़ेंगे, अमाया के घर के तो दरवाजे पे खड़े हैं, इधर ही अंदर आ जाओ। तो कहते हो शिट, मेरा दांव मुझ पे भारी पड़ गया, ओ शिट अब मैं क्या करूँ। तो रिमशा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो आदि ये कह के मतलब रिमशा का हाथ पकड़ता है और घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि रिमशा उसका हाथ मतलब पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचती है, भाई अंदर मत जाओ। ऊपर से जो है काम ये सारे सीन देख रहा होता है, उसे तो मतलब ऐसे लग रहा होता है कि जैसे जो है आदि उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, भाई तुम अंदर चलो, और मतलब रिमशा रिक्वेस्ट मतलब टाइप उसको काफ़ी मतलब रॉन्ग फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि क्या कर रहा है, इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है क्या। तो वो ऊपर से भागता हुआ नीचे आता है और मतलब आदि का ऐसे हाथ पकड़ लेता है, जैसे मतलब उसने रिमशा का हाथ पकड़ा होता है ना, तो उसी के हाथ के ऊपर वो अपना हाथ रख लेता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम इसके साथ। तो वो कहते हैं क्या करूँ मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो कहते मुझे सब दिख रहा है, अंधा नहीं हूँ मैं, जब वो नहीं जाना चाहती अंदर तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो उसके साथ। तो वो कहते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है इसकी तबीयत ख़राब है, इसे चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंदर चलो। तो वो फिर रिमशा की तरफ देखते कहते तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। तो वो फिर कन्फ्यूज़ हो जाती है कि क्या करूँ, कहती नहीं मुझे चक्कर नहीं आ रहे। तो फिर आदि रिमशा की तरफ देखता है कि अभी मुझे कह रही थी चक्कर आ रहे हैं। तो कहती हाँ मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो तुम मुझे प्लीज़ घर ले जाओ। तो वो कहते ठीक है आओ मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, मतलब काम ही कहता है। तो वो कहती नहीं तुम क्यों ले जाओगे, आदि है ना, आदि तुम प्लीज़ मुझे आलिया के घर छोड़ दो। तो मतलब आदि भी मतलब काफ़ी कन्फ्यूज खड़ा होता है ना, तो उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो कहते चलो ठीक है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मतलब उसने ऐसे रिमशा का हाथ पकड़ा हुआ होता है और उसको मतलब अंदर आलिया के घर ले जाता है। कामी पीछे से सीन देख रहा होता है, उससे इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब उसको गुस्सा आ रहा होता है। और जब मतलब आदि जब लेके जा रहा होता है रिमशा को आलिया के घर छोड़ने के लिए, तो आलिया जो है वो उसको मैसेज कर देती है आलिया को कि जो भी कर रहे हो एक दूसरे से दूर हो जाओ, बिकॉज आदि अंदर आ रहा है। बट फिर उसको लगता है कि मतलब अगर वो सच में लव मेकिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स मैसेज तो पड़ेगी नहीं। तो फिर मतलब नीचे से हाथ करके कॉल्स पे कॉल्स कर रही होती है, कभी आलिया को कभी माया को, बद्दों ने फ़ोन ही उठा रहे तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो आदि जो होता है अब रिमशा को ले जाते हैं आलिया के घर और मतलब बाहर ही टीवी लॉन्च पे कहता है कि अब तुम घर आ गई हो, यहाँ बैठो सोफे पे, मुझे घर जाना है, मुझे मतलब मेल ईमेल भेजनी है ना, बहुत ज़रूरी, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहती मेरी सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, मेरी तबीयत ख़राब है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। तो हैरान हो जाता है कि क्या बात करिए। वो कहते कि तुम्हें खैर तो है, शायद तुम भूल गए हम फ्रेंड्स नहीं हैं, और मैं जितनी तुम्हारी हेल्प कर सकता था मैंने कर दी, अब यहाँ पे सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो कहते तुम बात को समझ नहीं रहे, मैं जब तुम्हें कह रही हूँ तुम नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। तो आदि बड़ा कन्फ्यूज हुआ खड़ा होता है। वो कहते हैं कि अच्छा मैं 2 मिनट का काम है, मैं करके फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। तो ऐसे कह के जाने लगते, रिमशा उसका हाथ पकड़ लेती, कहती तुम्हारे उस 2 मिनट के जाने के चक्कर में किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो आदि कहते हैं कि तुम क्या बातें कर रही हो, क्या खैर तो है, ज़्यादा तबीयत तो नहीं ख़राब, मुझे तो लगता है तुम्हारे जो बुखार वगैरह या जो भी है ना, तुम्हारे सर चढ़ के बोल रहे हैं, नशा वशा तो नहीं कर रही तुम आजकल। तो मतलब रिमशा कहती तुमने जो समझना समझा, पर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो मतलब वो फुल कोशिश करती है कि यार उसको मैं रोक दूँ जाने से ना। इस तरफ कामी बाहर खड़ा होता है माया के घर के बाहर, बड़े गुस्से में होता है कि यार मेरे हाथों में कीड़े थे, जब मैं कह रहा था उसे मैं घर छोड़ जाता हूँ तो क्यों नहीं चले मेरे साथ। तो बड़े गुस्से में अंदर जाता है कि अब तो मैं इसके साथ सब बातें क्लियर करके रहूँगा। तो गुस्से में अंदर आता है तो देखता है कि रिमशा ने अभी तक उसका हाथ पकड़ा हुआ है और आदि उसके सामने मतलब खड़ा है, उसको देख रहा है, कुछ बातें करो, उसे इतना गुस्सा आ जाता है ना, मुँह गुस्से में आता है और आदि के शोल्डर पे हाथ रखते हैं, आदि जैसे पीछे मुड़ते रख के उसके मुँह पे ना मतलब मुक्का मारता है। तो वो आदि सोफे पे जा गिरता है। तो वो खड़ा होता है, कहते पागल हो गया क्या, क्या कर रहे हो तुम। तो वो कहते मैं पागल हो गया और तुम क्या कर रहे थे। तो वो कहते मैं क्या कर रहा हूँ।
तो मतलब भीमशाह कन्फ्यूज्ड, फुल नॉन उसका मीटर शॉर्ट हो जाता है कि यार यहाँ पे सब क्या चल रहा है। तो वो अचानक से खड़ी हो जाती है कि तुम लोग पागल हो, लड़ क्यों रहे हो। तो आदि कहता है मुझसे क्या पूछो, इससे पूछो, इसने पहले मुझे मारा था। ये कह के मतलब आदि भी भिड़ जाता है ना कामी के साथ, उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। दोनों में मतलब अच्छी खासी हाथापाई हो रही होती है। तो रिमशा मतलब उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो कामी को रोके या फिर आदि को। तो ये दोनों लड़ रहे होते हैं, तो रिमशा इनके दरमियान में आके खड़ी हो जाती है, कहती पागल हो क्या, क्यों लड़ रहे हो तुम। तो आदि कहते मुझे क्यों समझा रही हो, इसे समझाओ, इसने लड़ाई शुरू की थी और पता भी नहीं किस बात पर गुस्सा करा है, क्यों मार रहा है मुझे, मुझे तो लगता है तुम दोनों ही आज पागल हो गए हो। तो रिमशा कहती कि यार तुम, मैं नहीं, तुम दोनों पागल हो गए हो, आदि तुम जाओ यहाँ से। तो आदि कहता है मैं तो जा ही रहा था। कहती नहीं नहीं सर सर, तुम रुको, कामी तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है। तो वो कहती मौना ये तुम्हारा घर है, बट इस घर में तुम्हारा एक रूम भी है ना, तो मेहरबानी करके अपने रूम में चले जाओ। तो मतलब बड़ा परेशान खड़ा होता है ना कामी, उसको समझ ही नहीं आता क्या उसकी इतनी साइड क्यों ले रही है, बट वो गुस्से में जो है रूम में चला जाता है। तो फिर आदि उसे कहते हैं कि यहाँ सब क्या चल रहा था, ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड लगता है क्या, क्यों इतना भड़क रहा था, अरे इसे क्या चल रहा है, तुम इसे जेलस फील कराने के लिए मेरे हाथ पकड़ रही थी ना बार बार, मुझे क्लियर कर दो क्या चल रहा है यहाँ पे। तो रिमशा को कुछ समझ नहीं आता कि मैं यार इसको क्या कहूँ। तो कहती हाँ तुम बिल्कुल सही समझो, कामी मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, तो उसे जेलस फील करवाने के लिए मैं तुम्हारी सपोर्ट ली, मतलब तुम्हारी हेल्प ली यार, जो तुमने समझा समझ यार, बस मैंने तुम्हें यूज़ किया। तो कहते हैं यूज़ करना ही था तो बता के यूज़ करती, मुफ्त में मुझे मुक्का पड़वा दिया यार, हद है, मुझे क्या पता कि तुम उसकी बंदी हो, मैं तुम्हारा हाथ थोड़ा ना पकड़ता, फिर मुफ्त में मुक्का करवा दिया तुम्हें, छे गुस्सा करके गया वो यार, मेरी बंदी के साथ क्या सब बिहेव करे, मैं भी उसको जाके लगाऊं तो चार। तो रिमशा कहती क्या तुमने ये बंदी बंदी लगा रखा है, मुझे ये वर्ल्ड पसंद, चुप करके खड़े रहो। तो कहते अच्छा ना जो तुम लोग का इशू था सॉल्व हो गया, मुझे इजाज़त दो मैं घर जाता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी सच में काम है, बहुत ज़रूरी काम है मुझे। तो कहते नहीं तुम अभी नहीं जा सकते। तो आदि हंसते कहते हैं क्यों, दो चार और मुक्के खिलाने का इरादा है क्या, एक मुक्के में मेरे पेट भर गया है, इनफैक्ट और मुक्का खाया ना तो जो खाया पिया वो सारा बाहर आ जाएगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो कहती वो शिट ये तो जा रहा है, शिट 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 कैसे रोकूं। तो ऐसे कहती रुको मैं ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारे काम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दो मिनट बैठ जाओ। तो वो कहते अच्छा ठीक है तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, पहले ये जो ट्रेन तुमने पकड़ रखी है ना इसको तो छोड़ दो यार, इतना तेज़ कौन बोलता है यार, मुझे तो कुछ लोग तुम्हारे समझ आते हैं कुछ आते भी नहीं, सारे तुम उलट पुलट बोल रही हो, सही से बोलो, सुकून से बोलो यार, क्या जल्दी है तुम्हें। तो वो कहती यार कैसे बताऊँ तुम्हें क्या जल्दी है, मेरी यहाँ पे जाने के लिए पड़ी है, मुझे ऐसा लगता है मुझे बोलना नहीं आता और तुम कह रहे हो मैं स्लो बोली यार, और जैसे बोल रही हूँ बस एडजस्ट कर लो, बट बैठो मेरी बात तो सुनो। तो वो आदि हंसने लग जाता है, कहती यार तुम्हें मेरे तो दिल कर रहा है मैं मोबाइल निकालूँ, उसमें कैमरा खोलूँ, तुम्हारी वीडियो बनाऊँ, फिर तुम्हें दिखाऊँ कि तुम कितना फास्ट बोलती हो। तो रिमशा कहती यार तुम्हें जो करना होगा बाद में कर लेना, अभी बैठ जाओ। तो आदि बेचारा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती तो वो बैठ जाता है, रिमशा उसको बिठा तो लेती है अपने पास, बट फिर सोचती है कि यार इससे बात कैसे करूँ, क्या बात करूँ, मुझे तो कुछ बात ही नहीं करनी इससे। तो आदि मतलब बेचारा पहले दो मिनट चुप करके बैठ रहा था, फिर कहता है अगर तुमने कुछ बोलना है तो बोलो, मेरा टाइम तो वेस्ट ना करो, मुझे सच में बहुत ज़रूरी काम है। तो वो कहती हाँ ना बात तो है, बहुत ज़रूरी बात है, बट समझ नहीं आ रही कैसे स्टार्ट करूँ ना। तो वो कहता है क्या मतलब, कहते देखो अगर तुमने दोबारा अपने बॉयफ्रेंड को जायज़ फील करवाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना ना, तो मैं पहले बता दूँ मैं ऐसा काम नहीं करता जिसमें मुझे मार पड़े, समझ आ रही है, उसकी बॉडी शॉडी देखिए, एक हाथ और पड़ गया ना मैं तो ऊपर पहुँच जाऊँगा, ना बाबा ना मैंने करा कोई काम ऐसा। तो कहते यार वो कोई काम नहीं है वो, हाँ मैं कह रही थी कि यार वो, हाँ तुमने तो देख लिया ना कि वो कितना पोजेसिव है और मुझ पर कितना ज़्यादा शक करता है, और तुमने सिर्फ हाथ पकड़ा उसने तुम्हें मुक्का मार लिया, तो तुम तो लड़के हो ना, तो तुम मुझे बताओ कि मतलब अगर मतलब हाँ समझो कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, तो अब मतलब मैं ऐसा क्या करूँ जो उसे जो है ऐसा फील हो कि यार मैं चीट नहीं कर सकती उसे, या ऐसा कुछ कैसे सीखी हूँ, मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना, तुम बॉयज़ को कैसे मतलब इनसिक्योरिटी कब होती है और सिक्योर कब होते हो तुम अपने पार्टनर को लेके, तो प्लीज़ तुम तो लड़के हो ना तुम्हें सब पता होगा, तो प्लीज़ बताओ ना। तो वो हंसने लग जाता है, कहते सच में तुम्हें ये बात करनी थी मुझसे, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट बात लगती है। तो वो कहती हाँ ना मेरी लाइफ की तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, तो प्लीज़ तुम मुझे बताओ ना। तो आदि जोर से हंसने लग जाता है, तो ऊपर से कामी मतलब इन दोनों को बातें करते और हंसते हुए देख रहे होते, तो और ज़्यादा जल रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है। और आलिया माया जो है वो तो अभी भी मतलब आपस में लगी पड़ी होती है।
बट मतलब अब वो सोफे से मतलब टीवी बहुत भी पहले सोफे पे तो वहाँ से उड़ गई होती हैं, और मतलब पूरे घर की दीवारों में लगी पड़ी होती है, कभी आ जाए दीवार के साथ तो कभी अब आया दीवार के साथ, मतलब वो फुल मतलब रोमांस करती है ना उस रात उनकी, मतलब समझो कि बेस्ट नाइट होती है, तो बहुत ज़्यादा रोमांस कर रही होती है हद से ज़्यादा, और उन्हें ज़रा होश नहीं होता कि उनके मोबाइल बजे हैं या कुछ भी ऐसा सीन है। दूसरी तरफ आदि हंस रहा होता है और कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो निमिषा कहती है हाँ बताओ ना, तो वो कहते हैं कि ना यार बंदे को इनसिक्योरिटी सिर्फ मतलब लड़की को किसी लड़के से बात करते हुए नहीं हो सकती, मतलब हाँ होती है बट सिर्फ उससे नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं तुम्हें क्या क्या एक्सप्लेन करूँगा। तो वो कहते हैं यार जो भी है ना तुम मुझे एक्सप्लेन करो, पूरी रात भी करना पड़े करो, मेरे लिए तो बेस्ट है। तो कहते हैं तुम्हारे लिए बेस्ट है ना, मेरे लिए नहीं है यार, मुझे तो काम है ना। तो वो कहते यार देखो तुम अम्मा के फ्रेंड हो ना, तो मैं भी अम्मा के फ्रेंड हूँ, तो इस नाते हम दोनों भी फ्रेंड हुए ना, तो अभी हमको मन फ्रेंड बन गया, तो प्लीज़ हेल्प कर दो ना। तो वो हंसता है कहता है अच्छा ठीक है, कि कहते हैं कि लड़कों को तब भी जलन होती है कि जब उसकी मतलब जो बंदी है वो उसको छोड़ के उसके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा मतलब घुल मिल जाएँ, उसके सामने बेस्ट फ्रेंड्स के सामने अपने बंदे को इग्नोर करने लग जाएँ, या बेस्ट फ्रेंड के सामने किसी और लड़के से मतलब बहुत ज़्यादा बातें कर रही हो या चिपक रही हो, जैसे अभी तुम बाहर कर रही थी। तो वो कहती है हाँ वो तो मैं जानबूझ के ना उसको जेलस फील करवा रही थी ना, बिकॉज वो तो छोटे छोटे बात पे जेलस हो जाता है, तो मैं बस चेक कर रही थी कि वो इस चीज़ पे भी होगा या नहीं। तो वो कहते हैं हाँ तो तुम्हें बलि का बकरा मैं ही मिला था, कोई और लड़का नहीं था इस दुनिया में, सिर्फ मैं ही था, मुफ्त का मुझे मुक्का पड़वा दिया, देखो उसे कितने जोर का लगा। तो वो ऐसे करके दिखाने लग जाता है, तो रिमशा उसके मतलब फेस ऐसे पकड़ते इधर उधर करते, कहते बस बस नौटंकी इतना भी नहीं लगा, तुम तो बच्चों की तरह रो रहे हो। तो कहते हैं हाँ तुम्हें नहीं लगा ना इसलिए, तुम्हें एहसास नहीं कितना दर्द हो रहा है मुझे ही पता है। तो रिमशी ऐसे हाथ लगा के मतलब चेक करी होती है कि अच्छा कहाँ लगा है दिखाओ मुझे, तो काम पर ये सारे सीन देख रहा होता है, उससे इतना गुस्सा आता है हद से ज़्यादा, उसके रूम में मतलब जो किचन वाले पीसेस पड़े होते हैं वो उठा उठा के ठा ठा फेंकता है, तो नीचे मतलब आवाज़ आती है इन लोगों के पास ना, तो ये दोनों ऐसे अचानक से खड़े हो जाते हैं। तो आदि कहते हैं तुम्हें भी आवाज़ आई, रिमशा कहती है ऑफ कोर्स आवाज़ आई तभी तो मैं खड़ी हो गई हूँ। तो कहती है आवाज़ आई कहाँ से, तो रिमशा कहती है आवाज़ तो शायद ऊपर से आ रही है। तो आदि हंसने लग जाता है, कहते हैं लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही गुस्से में तोड़ फोड़ कर रहा होगा रूम में, कॉमन है गुस्से में इंसान ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं, तुम्हें इसे इतना तंग भी नहीं करना चाहिए, जाओ सॉरी बोल दो इससे पहले कुछ ज़्यादा कर ले। तो वो कहते हैं मैं क्यों सॉरी बोलूँ उसे, वैसे भी वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो मेरा बॉयफ्रेंड तोड़ना है। तो मतलब जल्दी जल्दी में ऐसे भूल जाती है। तो आदि ऐसे देख रहे कहते क्या अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो कहती है हाँ हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है ना, बट अभी तो मैंने उसे ऐसा फील करवा दिया ना जैसे हमारा ब्रेकअप हो गया, तो उस नाते से मेरा बॉयफ्रेंड ना हुआ ना, तो मैं किसी के साथ भी ट्राई कर सकती हूँ, तो उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो आदि हंसते हैं कहते हैं अच्छा जी ब्रेकअप कर लिया तभी मुझसे मशवरा ले रही हो कि मतलब कैसे उसको सिक्योर फील करवाऊँ, ये करूँ वो करूँ, वाह वाह क्या ब्रेकअप किया तुम लोगों ने वाह। तो रिमशा के हंसने लग जाती है बिकॉज इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या रिप्लाई दें। ये कहते हैं अच्छा यार जो तुमने पूछना था मैंने सब क्लियर कर लिया, प्लीज़ इजाज़त दो मैं घर जाऊँ। तो रिमशा कहती नहीं एक मिनट रुक जाए, एक मिनट मुझे और कॉल कर दे, शायद वो कॉल अटेंड कर लें। तो कहती क्या कॉल कॉल अटेंड कर लें, तो रिमशा कहती हाँ कॉल कॉल हाँ वो कॉल कॉल यार। तो कहती क्या कॉल किसको कॉल करनी है, तो कहती हाँ मेरे कहने का मतलब था कि एक बार मैं ना उसको क्या नाम है उसका हाँ कामी को ना आवाज़ देती हूँ कि उसको थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर फिर तुम्हारे साथ थोड़ा सा और बातें शातें करती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, तो देखती हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होगा। तो कहते क्या रिएक्शन होगा, आ जाएगा फिर मेरे साथ दो दो हाथ लगाने, बस भाई मैं जा रहा हूँ। तो कहते अच्छा नहीं अपने रुको सही बातें सुनो मेरी। तो कहते यार अब क्या बात है, जो है जल्दी से क्लियर कर दो यार, क्या मसला है तुम्हें, मुझे सच में बहुत ज़रूरी ईमेल भेजनी है यार, अगर वो ईमेल टाइम पर ना पहुँची ना तो यार तुम सोच भी नहीं सकती कितना बड़ा नुकसान हो जाना मेरा। तो कहती हाँ चीफ मिनिस्टर को बुला, पता है जो तुम्हारे बिजनेस खुले हुए हैं यहाँ पे। तो वो कहते यार मैंने ना यार तुम्हें अब कैसे सुना, अच्छा ठीक है पूछो क्या पूछना है। तो कहती पूछना नहीं कुछ करना है तुम, बस एक मिनट रुको मुझे एक मिनट दो मैं बस अभी आ रही हूँ। तो ऐसे कह के मतलब वो थोड़ा किचन की तरफ चल जाती है और मतलब कॉल करने लग जाती है ना आलिया के नंबर पर बार बार और अमाया के नंबर पे कि यार कभी तो कॉल करेंगे, साथ साथ ना मैसेजेस भी भेज रही होती है कि जो भी करो बंद कर दो, ये करो सब कुछ सेट कर लो, आदि आ रहा है ये है वो है, बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है, कभी पहुंच सकता है घर में, बहुत ज़्यादा मैसेजेस करने लग जाती है और कहती कभी ना कभी तो ये लोग पढ़ ही लेंगी ना इडियट्स, तो बहुत गुस्से में होती है और कहती हर दफ़ा ये लोग रोमांस करें और यहाँ पे मेरी वाट लगी होती है, मुझे तो लगता है मैं इनके लिए कुर्बानी का बकरा हूँ यार, इतना सीरियसली कौन इतना किसी दोस्त को फंसाता है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आदि को कहा है कि
वो पागल मेरा बॉयफ्रेंड है, उस पागल को कहा कि आदि मेरा बॉयफ्रेंड है, उफ यार मैं तो बीच में फंस गई हूँ। अगर इन दोनों को अपने सामने पता चल गया कि इन दोनों में से कोई भी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो यार मेरा क्या होगा, शिट या अल्लाह, ऐसे तो मेरे पास एक बॉयफ्रेंड नहीं था और आप दिए हुए तो दो दो, वो भी फेक वाले, उफ 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 यार क्या करूँ मैं तो हर जगह से फंस गई। तो ऐसे करके चीख रही होती है। तो बाहर से आदि को आवाज लगाते हैं कि रिमशा आ जाओ यार मुझे देर हो रही है, तो कहती हाँ ना आ रही हूँ। तो वैसे क्या क्या कहती उफ क्या करने आई थी मैं, उसे क्या कहूँगी क्या करने आई थी। फिर सामने फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं तो वो मतलब जल्दी जल्दी से ना डिश में डाल देती है और कहती कि उफ चलो अब कहूँगी उसके लिए फ्रूट्स लेने आई। तो बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि यार तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाई हूँ चलो खाओ। तो कहती यार मैंने बोला था ना मेरे पेट में जगह नहीं। तो कहती जगह नहीं है तो क्या इतने प्यार से खिला रही हूँ, खा नहीं सकते तुम, जगह नहीं बना सकते, अब हम दोस्त हैं ना तो दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते तुम। तो कहते अच्छा मेरी माँ ये लो एप्पल मैंने उठा लिया घर जाके खा लूँगा बस। तो कहते ये घर जाने के लिए नहीं है, यहीं बैठ के खाने के लिए, जल्दी से खाओ। तो आदि कहते उफ यार पेट फट जाएगा मेरा, उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, तुम क्या चाहती हो यार। वो कहते यही चाहती हूँ कि तुम इसे खाओ। तो कहते अच्छा ठीक है यार काटो इसको, उफ बहुत चिपको तुम। तो कहते अल्लाह अल्लाह अब तुम जैसे लोगों के भी नखरे सहने पड़े हैं, वाह अल्लाह क्या दिन दिखा रही है। तो ऐसे मुंह में बड़बड़ा रही होती है। तो वो आदि से कहता है क्या बोल रही हो तुम। वो कहती नहीं ये बोल रही हो कि तुम कितने अच्छे हो, सच में कितनी हेल्प कर रही हो ना मेरे, वाकई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत लकी होगी। तो वो कहते हाँ वो तो है। तो रिमशा जो है फिर जल्दी से एप्पल काटती है और आदि जो है उसमें से एक एप्पल की एक दिल्ली मतलब उठाता है और खा लेता है। कहते अब खुश अब प्लीज़ मुझे चाने दो। वो कहते यार इतना थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा तो यार कोई भी नहीं खाता, थोड़ा सा तो और खा लो, अपनी सेहत देखो और सेब देखो इतना सा खाया तुमने। तो कहते बस यार मैं इतना ही खाता हूँ, पेट पहले ही फुल है, प्लीज़ अब मुझे जाने दो। तो ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। पीछे से रिमशा को दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, कुफ यार पता नहीं वो दोनों क्या कर रहे होंगे और ये क्या कर रहे होंगे। तो ऐसे कह के बार बार फ़ोन उठा के कॉल कर रही होती है बट उन दोनों में से कोई कॉल नहीं उठाता। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और भागती है आदि के पीछे। देखती है तो दरवाज़ा खुल गया होता है और आदि अंदर जा चुका होता है। तो दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाती है और प्रे करने लग जाती है प्लीज़ कॉल प्लीज़ आज इन दोनों को बचा लो। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती है और कहती है मैंने जितनी कोशिश कर सकती थी कर दी कि ये दोनों पकड़े ना जाएं, बट अल्लाह बाप के हाथ में, प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, ये सारी मेहनत मेरे से ही करवानी है। तो ऐसी बातें कर रही होती है तो फिर घबरा रही होती है बहुत ज़्यादा कि यार अंदर क्या हुआ, जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। तो अंदर से इतनी देर में आदि की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहती है शिट क्या क्या लगता है इसने उन्हें रंगों हाथों पकड़ लिया। सो गाइस अब आगे स्टोरी में क्या होता है कि आदि ने सब कुछ देख लिया या फिर नहीं देखा, या देख लिया तो वो क्या करने वाला है अब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्या गया क्या होगा। और यार वीडियो लाइक आ गई है तो यार इस वीडियो को लाइक भी कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड आई एम सॉरी यार मुझे पता है मैं बोलने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि यार मेरे गले का कुछ मसला चल रहा है, ऊपर से मैं जिस दिन कोल्ड ड्रिंक पी लूँ उस दिन तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है मेरा, और आज मैंने गलती से कोल्ड ड्रिंक पी ली। सो जो गलती होगी उसको इग्नोर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो आज छोटी इसलिए बनाई है कि यार वीडियो लॉन्ग हो तो अपलोड होने में मुझे बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो मेरा टाइटल होता है उसमें मतलब वर्ड यूज़ होते हैं लेसबियन या LGBT जहाँ यूज़ हो जाते हैं यार यूट्यूब वाले उसे वायोलेशन में ले जाते हैं और वीडियो को जो है बैन कर लेते हैं या हमें अपलोड ही नहीं करने देते। सो इसलिए जो है मैंने वीडियो बहुत छोटी बनाई है बट जो है इसलिए मैं फिर ज़्यादा पार्ट अपलोड करूंगी। तो आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।